मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हुए कोरोना पॉजिटिव, मुख्यमंत्री ने आमजन से सतर्कता बरतने का किया आह्वान। अजमेर जिले में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 7 से 9 अप्रैल को योग महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। उदयपुर जिले के त्रिवेदी मेवाड़ समाज के प्रतिनिधियों ने सामाजिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत सुधा माता क्षेत्र का किया भ्रमण। कार्यक्रम में समाज के 30 परिवारों ने लिया हिस्सा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में मां काली और सावलिया सेठ मंदिर में किए दर्शन, प्रदेश की खुशहाली की कामना। जोधपुर में एबीवीपी का जिला सम्मेलन युवा संगम हुआ आयोजित। सम्मेलन में छात्रों ने राज्य सरकार पर लगाए कुठाराघात के आरोप, जिला प्रशासन को सौंपा मांग पत्र। बस्ती की कृषि उपज मंडी में तीसरे दिन भी पल्लेदारों की हड़ताल जारी, किसान मंडी से फसल वापस लेकर लौटने पर हुए मजबूर। चूरू के सालासर बालाजी में लक्खी मेले की हुई शुरुआत, श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। करौली में केला देवी मेले के दौरान 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, मेले में देशभर से श्रद्धालुओं का आना जारी। उदयपुर के मावली क्षेत्र में बालिका की जघन्य हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन, आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर दिया जोर। उदयपुर में सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की छात्राओं ने बनाए मोटे अनाज के व्यंजन, मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए लगाई गई स्टॉल्स। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा और जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को सुंदर कांति जोशी अवार्ड से किया गया सम्मानित। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना। बारा में रजक समाज कर्मचारी समिति का स्नेह मिलन समारोह हुआ आयोजित, छात्र छात्राओं के पुस्तकालय का किया गया उद्घाटन। एसीबी ने नागौर में पचवारी और प्राइवेट व्यक्ति को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, आवास और अन्य ठिकानों पर तलाश जारी। जयपुर पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात का किया खुलासा, दो लोगों को किया गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त वाहन बरामद। जोधपुर में ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 135 अपराधी पकड़े, 42 वाहन जब्त, आबकारी नो आर्म्स और एनडीपीएस के तहत मामले किए गए दर्ज।